तक और कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स। लाइक काफी अच्छी एनर्जी इस हफ्ते में मुझे दिख रही है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी फाइनली एंड हो चुका है 15 दिसंबर को। तो काफी सारी चीजें अब ट्रैक पे आएंगी, जो चीजें अटकी हुई थी या फिर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा था या फिर गलत ट्रैक पे जा रहा था, लोग सपोर्टिव नहीं थे या फिर जो भी चीजें अनफेवरेबल थी, वो सारी चीजें इस हफ्ते में दोबारा ट्रैक पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और काफी एक महीने बाद बहुत सारे लोग एक अच्छी राहत महसूस करने वाले हैं इस हफ्ते में। अब जैसे कलेक्टिव एनर्जी है होती है, तो बहुत सारे लोग इस गाइडेंस को रेफर करते हैं और उन सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके रीडिंग बनाया हुआ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर में मुझे कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे किसी का चाइल्ड बर्थ हो रहा है यहाँ पे, किसी का कोई घर खरीद रहा है, घर में पूजा है या फिर मैरिज का सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है खुशी में या फिर कोई चैरिटी कर रहा है, किसी का बर्थडे हो। यानी इस हफ्ते में जितने भी सोशल एक्टिविटीज है, सोशल कनेक्शंस को लेके है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ज़्यादातर ऐसे काम हैं जो आप सबकी मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मैच्योरिटी यानी एज ज़्यादा होना नहीं होता है, अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कोई सिचुएशन अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग मैच्योरिटी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इस हफ्ते में ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेज करनी पड़े, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, घर की हो, रिलेटिव्स की हो या फिर कुछ कोई सोशल एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पे भी आपको पार्टिसिपेट करना हो सकता है। लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। यानी कोई चीज़ें आप बीच में छोड़ रहे, पूरा नहीं कर रहे या फिर इरिटेट हो रहे, हर चीज़ मुझे करनी पड़ती है, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हर चीज़ आप अच्छे से शांति से हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को यानी किसी की अगर कोई विश बहुत सालों से पेंडिंग थी, तो वो भी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, एक कंप्लीशन दिख रहा है। अगर कोई जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहा था बहुत दिनों से, कंसीविंग के लिए वेट कर रहा था, वो भी चीज़ें इस हफ्ते में आप लोगों को होती हुई एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी, ऐसा दिख रहा है। किसी का प्रमोशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी को एक बहुत बड़ी अमाउंट जैसे हाथ में आ रही दिख रहा है मुझे, जैसे कोई किसी ने जमीन या फिर प्रॉपर्टी बेच ली हो, ये भी हो रहा है। यानी इस हफ्ते में ये भी हो सकता है कि आपने घर बेचा है या फिर कोई लैंड बेचा है, उसके माध्यम से आपके पास में पैसा आया है, ये भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हफ्ता काफी रिलैक्स रहेगा, यानी कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है। ट्रैवलिंग होता भी है तो वो फैमिली फंक्शंस के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस आपको इस हफ्ते में यही दिया जा रहा है कि जैसे साल भर, जैसे अभी साल खत्म होने वाला है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, तो आपको सलाह ये दी जा रही है कि सिर्फ अभी कुछ दिन अच्छे चल रहे हैं या फिर अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस बेसिस पे आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है या फिर अपनी एनर्जी वैसे नहीं रखनी है। जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो सारा सब कुछ इस हफ्ते में आपको रिव्यू करना है, आपने क्या कुछ किया है, क्योंकि इस हफ्ते में सबकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है, तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से सोच सकेंगे। तो आपको वापस से कंफर्ट जोन में नहीं जाना है कि हाँ आप सब सही चल रहा है, सही सारी चीजें जगह पे है, तो आप कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने साल भर में जो भी किया है उसके लिए हफ्ता आपको बता रहा है कि आपको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग दुखी है यहाँ पे कि कुछ अचीव नहीं हुआ है या फिर ये साल भी बुरा ही चला गया। तो उन लोगों के लिए भी ये सजेशन और गाइडेंस है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिली भी है इस साल में और उसके लिए आप पूरी तरह से इग्नोर भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी सोचना है कि अगर कुछ चला भी गया है तो आपको यूनिवर्स ने कुछ दिया भी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं।
तो जो चीज़ें मिली है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, ताकि आने वाले टाइम के लिए और भी चीज़ें आपको यूनिवर्स दे सकें। क्योंकि जब तक आप जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, और ज़्यादा चीज़ें आपके पास में नहीं आएंगी। इस हफ्ते में मेल्स या फिर मस्कुलर एनर्जी जो है वो रूल करेगी, यानी हर चीज़ उनके हाथ में होगी। या फिर जैसे मैं कई बार अलग अलग वीक में बताती हूँ कि फेमिनाइन एनर्जी रूल करेगी, तो इस हफ्ते में मेल एनर्जी रूल करती हुई दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं कि मेल एनर्जी यानी मेल ही हो, मेल बॉडी में ही हो, या फीमेल्स भी हो सकती है जो सिंगल मदर है, या फिर घर की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालने वाली कोई लेडी भी हो सकती है।